सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं गाइस एम्बर फार्मिंग। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसको थोड़ा सा मैंने जो है डिटेल में नहीं किया था, तो इस बार जो डिटेल में करने वाला हूँ, चलिए मैं बताता हूँ आप लोग एम्बर कैसे जल्दी जल्दी फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे पास कितना एम्बर इस समय, 9 एम्बर है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए मेरे पास आर्टिफैक्ट जो है कितने हैं, 4। मैंने 4 आर्टिफैक्ट कलेक्ट किए इस समय। और यहाँ पे जो है मैं चारों के चारों जल्दी जल्दी से करने वाला हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो लेट्स सी गाइस किस वाले केव से हमें एम्बर मिलता है और कितने एम्बर मिलता है और किस वाले केव से हमें सबसे ज़्यादा एम्बर मिलता है। चलिए मैं सारी चीज़ें आपको बारी बारी से बताऊँगा, पहले हम लोग धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं इस बार हमें कोई एम्बर मिलता है कि नहीं। पिछली बार हमें नहीं मिला, इस बार ट्राई करते हैं। सो इस बार भी हमें कोई एम्बर नहीं मिला, 2 बार हम लोग कर चुके हैं। सो ये हमारा 3रा टाइम होने वाला है, लेट्स सी इस बार हमें एम्बर मिलता है कि नहीं मिलता है गाइस। तो यहाँ पे ट्रिब्यूट करता हूँ मैं, सो फाइनली गाइस हमें मिल चुके हैं यहाँ पे एम्बर। और ये एम्बर हमें मिला है गाइस स्ट्रॉन्ग वाले केव से, वो भी 10 एम्बर एक बार में मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो एक बार में 10 एम्बर मिल रहा है। अभी जो हमें अभी तक एम्बर जो मिला है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग केव, मतलब स्ट्रॉन्ग केव से हमें ज़्यादा चांसेस हैं एम्बर मिलने के। चलिए गाइस अभी जो हम लोग सिर्फ 2 केप करने वाले हैं, अभी सारे के सारे केप नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 केप, एक स्ट्रॉन्ग केप अपना और इसके अलावा जो है एक जो हम लोग करेंगे वो है हमारा लावा केप। सो लाइक गाइस फाइनली जो है मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है कि हमें जो है एम्बर कब और कैसे मिलेगा। सो गाइस इसका यहाँ पे सीन क्या है देखिए, सो गाइस इसका सीन क्या है कि आपको जो है एम्बर मिलने के चांसेस मैं बताऊं तो मिनिमम जो है 4 में से 1 है गाइस। मतलब अगर आप लोग 4 बार केव करते हैं, 4 से 5 बार, तो जाके जो है आपको एक बार जो है 10 से 15 एम्बर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अनुमान लगा लीजिए कि अगर आप लोग जो है सारे केव नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग केव करते हैं और जो है स्ट्रॉन्ग केव के अलावा जो है लावा केव करते हैं,
तो 15 एम्बर मिलने के चांसेस हैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार करने पे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा रेशियो होता है एम्बर पाने का। और कभी कभी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो बात की बात है, मगर बहुत रेयर होता है एक्स्ट्रा मिलने, या फिर 15 एक साथ मिलना बहुत रेयर होता है, और मिल भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं गाइस। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि गाइस आप लोग जो एम्बर फॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, और कौन सा केब आपको ज़्यादा एम्बर देगा, और कितनी बार करने पे आपको एम्बर मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 बार केब करेंगे तो आपको 1 बार एम्बर मिलने के चांसेस होते हैं गाइस। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।